अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग मेथड वन से बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने कॉस थ्री एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स के टर्म में लिखा, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। कॉस एक्स तो कॉस एक्स के टर्म में था ही, और कॉस टू एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। उससे थोड़ा सा लंबा गया था क्वेश्चन, लेकिन आंसर हम लोग का आया हुआ था, है ना, मतलब कि हम लोग सॉल्व कर पाए थे। अब इसी को मेथड टू से बनाएंगे। मेथड टू क्या होगा कि यहाँ पे आप देखो कि ये कॉस है और इसको सी मान लो, यहाँ कॉस है और यहाँ डी मान लो, तो ये कॉस सी आप प्लस कॉस डी लगा दो। कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते समय भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप सी यहाँ पे जब कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओगे, मान लो ये फार्मूला लगाओगे, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है ना। तो इसका मतलब जब सी और डी को जोड़ोगे और बाई टू करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ तीन एक्स और एक एक्स, चार एक्स, अब बाई टू करोगे तो टू एक्स, ये टू एक्स से मैच कर रहा है, बोलो बोलोगे, तो अगर मैच कर रहा है तो वो मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि अगले स्टेप में हम वो कॉमन ले सकते हैं। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि इसमें फार्मूला लगा देगा कॉस सी माइनस कॉस डी का, इसको छोड़ देगा, बचा के रखेगा। अब इसमें लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, देखो जब सी माइनस डी लगाओगे तो उस फार्मूला में भी सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू आता है, भले वो साइन होता हो, लेकिन सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू होता है। तो जब सी प्लस डी करोगे तो एक एक्स और दो एक्स जोड़ोगे तो तीन एक्स आएगा। अब तीन एक्स बाई टू करोगे तो कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पे हम किसमें किसको सी किसको डी माने ये भी ध्यान रखना जरूरी है, ताकि मेरा काम बन पाए। क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? कोई बच्चा तो ये भी सोच सकता था ना कि सर कॉस सी माइनस कॉस डी लगा दीजिए यहाँ पे, तो लग तो जाएगा लेकिन काम नहीं आएगा, क्योंकि तीन एक्स जो होगा वो यहाँ से तीन एक्स बाई टू होगा उसमें, और यहाँ पे केवल तीन एक्स होगा, तो ये दिक्कत कर देगा। तो ज़रा हम इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू। तो आप लिख दो थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू और इनटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसको तो ऐसे ही प्रिंट कर देना है कॉस टू एक्स करके। ये कितना हो जाएगा टू कॉस, यहाँ पे बन जाएगा तीन और एक चार बटे दो, दो एक्स, और यहाँ कॉस ऑफ तीन में से एक गया दो और बटे दो एक्स हो गया, और माइनस कॉस टू एक्स बराबर जीरो। ये बात समझ में आया, कॉस टू एक्स कॉस टू एक्स तुम्हें कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में, तो कॉस टू एक्स कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा टू और बचेगा कॉस एक्स, और यहाँ बचेगा माइनस वन बराबर जीरो। अब यहाँ से आया तुम्हारा कॉस टू एक्स बराबर जीरो और टू कॉस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। क्या ये बात समझ में आया कि अगर जीरो है तो ये प्रोडक्ट जीरो होगा, नहीं तो कॉस टू एक्स जीरो होगा। अब कॉस टू एक्स जीरो होगा तो डायरेक्ट हम लोग जीरो वाला चीज़ याद किए हुए हैं कि जीरो कहाँ होता है, कॉस एक्स, टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम लिख सकते हो टू एक्स बराबर टू एन प्लस वन पाई बाई टू, और जब टू वहाँ जाएगा क्योंकि ये टू एक्स था, तो टू जब उधर जाएगा तो x का वैल्यू तुम्हारा क्या मिल जाएगा, फोर एन प्लस सॉरी टू एन प्लस पाई बाई दो, नीचे जाएगा तो नीचे गुना कर दो पाई बाई फोर। बात समझे, ये बात समझे। अगर मान लो तुमको मान लो ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है, कॉस एक्स बराबर जीरो का फार्मूला नहीं याद आ रहा है कि x बराबर होता है टू एन प्लस वन पाई बाई टू, अगर नहीं याद आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, लेकिन उस समय तुमको दिक्कत होगा वैसे,
कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। हम तो बोले ही हैं कि आंसर दिखने में अलग लग सकता है। इस जीरो डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं जी? कॉस 2x। आ जीरो कॉस 90 डिग्री पे आता है। अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए तो फार्मूला हमको याद ही है, क्या होता है जी? कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा के लिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो यहां से तुम क्या लिखोगे? थीटा के जगह पे 2x है, अल्फा के जगह पे पाई बाई 2 है, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो क्या तुम्हारा ये सॉल्यूशन नहीं आ जाएगा? देखो 2n प्लस 1 भी ऑड का रिप्रेजेंटेशन है और 2n माइनस 1 भी ऑड का ही रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ रहे हो? हमको यहाँ याद रखना पड़ता है कि x का वैल्यू क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 भी ठीक है और 2n माइनस 1 पाई बाई 2 भी ठीक है, सारा आंसर वो कंटेन कर लेगा। तो यहाँ से तुम्हारा वो आंसर आ जाएगा। बात समझे? बात समझे कि नहीं? अब अगर ये बात समझ में आ गया तो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली जो आंसर यहाँ से तो कर ही सकते हो, x का वैल्यू 2 को उधर भेज दो। तो जब 2 उधर जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? इसमें भी 2 से डिवाइड होगा तो ये n पाई हो गया, इसमें 2 से डिवाइड होगा तो प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 4, यानी कि यहाँ 4n पाई अब प्लस माइनस पाई। अब अगर मान लो तुम कॉमन लेते हो पाई बाई 4, तो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा? 4n प्लस 1 माइनस 1। तो याद करो हमारा सॉल्यूशन क्या आया हुआ था? क्या 4n प्लस पाई बाई 4 आया हुआ था? इसमें बस माइनस दे रहा है। तो 4n प्लस 1 भी ऑड का रिप्रेजेंटेशन है और 4n माइनस 1 भी ऑड का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सॉल्यूशन आया है। अब एक ठो हमारा बाकी हुआ है, ये 2 cos x माइनस 1, इसको जीरो करना है। तो इसको जीरो करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ये तो आसान क्वेश्चन है। 2 cos x माइनस 1 को जीरो करेंगे तो cos x बराबर 1/2 आएगा। अब cos x अगर 1/2 हो गया, यानी क्या डिग्री पे होता है cos x? पाई बाई 3 पे। अब डायरेक्ट क्या लिख देंगे x बराबर? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए। तो एक आंसर आपका ये आया, एक जो x का वैल्यू है ये है 4n प्लस माइनस 1 पाई बाई 4, या डायरेक्टली हम लोग यहाँ से क्या निकाले थे 2x का वैल्यू? 2n प्लस 1 पाई बाई 2 याद किए थे ना? ये जब उधर जाएगा 2, ये जब उधर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? पाई बाई 4 हो जाएगा। तो आंसर जो है इसको और इसको भी लिख सकते हो, या फिर इसको और x का वैल्यू जो अभी आया है 2n प्लस 1 आप पाई बाई 4 ये भी लिख सकते हो। देखो ये भी, ये जो सॉल्यूशन देगा वही सॉल्यूशन ये भी देगा, गारंटी है। क्योंकि 4n एक क्या नंबर है? इवन नंबर, उसमें 1 जोड़ रहे हो तो ऑड हो रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4 ये है। और 2n प्लस 1 भी क्या है? एक ऑड का सिंबल है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 सॉरी पाई बाई 4, यहाँ भी पाई बाई 4। क्या वही सॉल्यूशन कंटेन करेगा कि नहीं कंटेन करेगा? क्योंकि n का वैल्यू 1 और 2 थोड़ी है, n का वैल्यू तो इंटीजर है। n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 डालते जाओगे तो सारा सॉल्यूशन वो देते जाएगा। अब आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? अब देखो, तो आंसर आपका मैच कर रहा है। तो हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को कि जनरल सॉल्यूशंस में डिफरेंट आंसर देखने में लग सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट आंसर नहीं होते हैं, वो सेम होते हैं।
और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता ही दिए हैं आपको कि आपका सॉल्यूशन जो आ गया उसमें एन का इंटीग्रल वैल्यू 1, 2, 3 डालिए, एक सॉल्यूशन का सेट कंटेन कर लीजिए क्या आ रहा है, और उसके ऑप्शन में भी एन का वैल्यू डालते जाइए और देखिए कि किसके सेट को हमारा सेट मैच कराया। जो सेट मैच कर दिया वो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन।